हेलो गाइस, गुड इवनिंग. आई वेलकम यू ऑल ऑन अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. वी आर हेयर एट द चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी. आज लेक्चर सेशन 2 है पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू का. बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सीरीज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट. माई सेल्फ डॉक्टर निधि, आई एम अलुमनाई ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ. आई एम टीचिंग यू ऑल फिजियोलॉजी. एंड गाइज, फिजियोलॉजी का काफ़ी अच्छा वेटेज है. हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर कम इन आर नीट PG एग्जामिनेशन. सो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसीलिए एवरीबडी क्लियर द कंसेप्ट सो दैट यू कैन स्कोर मोर इन योर एग्जामिनेशन एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर टारगेट. ठीक है, मेडिसिन पढ़ना है तो भी आपको फिजियोलॉजी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे. चलो, अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए. वहाँ पे जाके फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा, दैट इज़ नीट PG सेक्शन. फिर उसके बाद आप मुझे सर्च कर सकते हैं unacademy.com/@KGMC. दिस इज़ माई पेज, सर्च कर लीजिएगा. गुड इवनिंग डॉक्टर दिव्यश्री, सर्च कर लीजिएगा एंड फॉलो कर लीजिएगा. कोर्स, ऑनगोइंग कोर्स चल रहा है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड डॉक्टर निधि. काफ़ी सारे स्पेशल क्लासेस भी हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो तो आपको रेफरल कोड डालना पड़ेगा मेरा, दैट इज़ डॉक्टर निधि. और स्पेशल क्लास भी आप एनी टाइम अटेंड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक्स को. Various other renowned educator are also on this platform. So if you take the subscription, you will be surely benefited. Coming to the benefit of subscription, first coming to the plus subscription. अगर आप plus subscription लेते हो, you will be able to attend daily live classes. जिसमें आप अपने educator से interact कर सकते हो, अपने doubt को live session में ही clear कर सकते हो. Various live tests, live quizzes are there, जिससे आप अपना preparation किसी भी time analyze कर सकते हो. Various batch course, capsule course, rapid revision course are ongoing there. These all are the booster session, जिसे आप एनी टाइम किसी टाइम भी ज्वाइन कर सकते हो एंड रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक्स को. ठीक है, जितनी भी प्रिपरेशन है दैट इज स्ट्रक्चर्ड टू द अपकमिंग नीट PG एग्जामिनेशन. सो इफ यू फॉलो द शेड्यूल, यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट. कमिंग टू द न्यूली लॉन्च आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, in this you will get benefit of all these plus feature. Along with that you will get access for the prep ladder. In this you can access the video lecture of prep ladder, question bank 2.0, rapid revision course and am I visible and audible to all of you? I think video clear hai. Dr. Shaima, aapko refresh karna hoga. हो सकता है आपके साइड नेटवर्क इशू हो, रिफ्रेश कर लो, क्लियर हो जाएगा आई गेस. चलो, यू विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विथ हैंड रिटन नोट्स. सो इफ यू वॉन्ट टू अवेल दीज फीचर ऑल्सो, गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एवरीबडी. चलो, कमिंग टू द सब्सक्रिप्शन फी. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 year से स्टार्ट होता है. 1 year फी इज 55,000, 18 month फी इज 66,000, 24 month fee is 77,000, 36 month fee है 92,000. When you apply my referral code, that is Dr. Nidhi out here, you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will become more economical. ठीक है, 12 month fee will reduce to 49,500, 18 month fee will reduce to 59,400, 24 month fee will reduce to 69,300 and 36 month fee will reduce to 82,800. So that will be more economical. So do use my referral code, that is Dr. Nidhi. Chalo, coming to the plus subscription. This is available for lower duration also, like 1 month, 3 months, 6 months. So as per your requirement, you can take subscription out here. 1 month fee is 5,000, 3 month fee is 12,500. 6 month fee is 22,500, 1 year fee is 27,500, 18 month fee is 32,500, 24 month fee is 40,000 and 36 month fee is 50,000. Out here also, when you apply my referral code, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount in your subscription and your subscription fee will become more economical. 1 month fee will become only and only 4,500. 3 month fees हो जाएगी 11,250, 6 month fee हो जाएगी 20,250, 12 month fee will reduce to only 24,750, 18 month fee है 29,250,
2 year fee is after using my referral code is 36,000 only. ठीक है, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का आप लेते हो ना तो पर मंथ बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है. 36 मंथ का फीस आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड इज़ 45,000. ठीक है, सो डू यूज़ माई रेफरल कोड एवरीबडी. दोज हु आर प्लानिंग टू गिव एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, गो फॉर 1 year ड्यूरेशन सो दैट यू कैन कवर ईच एंड एवरी टॉपिक. दोज हु आर इन फाइनल ईयर कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ 24 month ड्यूरेशन सो दैट दे विल गेट इनफ ड्यूरेशन एंड दे कैन रिवाइज द टॉपिक मेनी टाइम्स. ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट गो फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है. चलो, दोज हु आर न्यू टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए एंड फॉलो कर लीजिए. नीट फिजियोलॉजी पेज है या फिर आप अनअकैडमी फिजियोलॉजी सर्च कर लीजिए एंड फॉलो मी आउट देयर सो दैट आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड आपका कोई भी सेशन मिस ना हो. ठीक है, प्रीवियस जितने भी सेशन है उसके भी लिंक आपको इस पेज पे मिल जाएंगे. चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सीरीज. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग बेसल इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ इंटेस्टाइन एक्सेप्ट. ऑप्शन ए, टोन ऑफ कंट्रैक्शन इज रिलेटेड टू द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टिमुलस. टोन ऑफ कंट्रैक्शन इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस. फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन इज 6 per minute. गुड इवनिंग डॉक्टर बेरी. Threshold of contraction is minus 50 millivolt. Chalo, everybody answer this question. All are true regarding basal electrical rhythm of intestine except. Threshold D, no. Answer is option A. जो tone of contraction है that is related to the frequency. जितना ज़्यादा frequency देंगे उतना ज़्यादा basal electrical rhythm sum up होगा and हमारी electrical activity action potential generate होगी. It is not related to the amplitude. ठीक है, frequency of contraction is 6 beats per minute. तो हमारा ये जो तो ड्यूरेशन दिया है 1 to h का उससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/contraction period. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड क्या हो जाएगा 5 seconds सो इट विल कम अराउंड 5 hertz. ठीक है, सो ये भी सही है. थ्रेशोल्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्शन इज माइनस 50 millivolt डायग्राम में दिया हुआ है. ठीक है, सो आंसर इज ओनली एंड ओनली ए. गुड इवनिंग डॉक्टर सुष्मिता. क्लियर है एवरीबडी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज अब्सॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट. स्टमक, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन. एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. Iron, so major absorption of iron occurs from duodenum. Small part of iron, minor part of iron is absorbed from the jejunum. Major part of iron absorption is from duodenum only. So answer is B. Chalo, next question. The most important site in the organ given in the photograph produce the gastrin hormone. Cardiac region, fundus region, antral region, duodenum. Everybody answer this question. The most important site in this organ produce the gastrin hormone. Easy hai to? गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस बाय एंट्रम रीजन में जी सेल प्रेजेंट होता है दैट प्रोड्यूस द गैस्ट्रिन. वेरी गुड एवरीवन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड फ्लो ऑफ द ऑर्गन सोन इन द पिक्चर इज 500 ml per minute, 1500 ml per minute,
300 ml per minute, 3000 ml per minute, 5000 ml per minute. Chalo, everybody answer this question. Blood flow of the organ shown in the picture is very good, Dr. Berry. Answer is B. जो liver है उसमें सबसे ज़्यादा maximum cardiac output goes to the liver only. ठीक है, 25% of cardiac output goes to the liver. ठीक है, हमारा cardiac output कितना होता है, 5 liter per minute. So 25% will come around 1500 ml. ठीक है, answer is B. चलो, this is the cardiac output distribution. हमारा जो सबसे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट रीच करता है दैट रीचेस टू द लिवर. हार्ट में ओनली 5% ऑफ कार्डियक आउटपुट रीचेस. ठीक है, दोनों याद रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा लिवर में एंड सबसे हार्ट में अगर बात करें तो ओनली 5%. चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूस रिच इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, रिच इन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, पुअर इन एंजाइम, is secreted from the organ by secretin, cholecystokinin, gastrin, somatostatin. Chalo, everybody answer this question. वेरी गुड एवरीबडी. सेक्रीटिन क्या करता है, हमारा जो पैनक्रेटिक सेक्रीशन है दैट कॉजेज रिच इन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, जबकि कॉलीसिस्टोकाइनिन स्टिमुलेट द पैनक्रियास टू इंक्रीज द एंजाइमेटिक कॉम्पोनेंट. ठीक है, क्लियर है एवरीबडी, दिस इज द डायग्राम. कॉलीसिस्टोकाइनिन हमारा एक्ने पैक करता है एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. Secretin act on the duct and it increases the bicarbonate in the pancreatic juice. ठीक है, कौन कौन से pancreatic enzymes निकलते हैं हमारे pancreas से, pancreatic amylase, pancreatic lipase, nucleases and proteases. Proteases में trypsin, chymotrypsin, elastase and carboxypeptidase. These all are the digestive enzyme coming from the pancreas and this is stimulated by cholecystokinin. Clear everybody? Chalo. Next question. Nerve plexus seen in the submucosa in the picture is Orbex plexus. This is the submucosal layer. Orbex plexus, Meissner plexus, celiac plexus, Mantrik plexus. Everybody answer this question. The nerve plexus present in the mucosa is everybody answer this question. Meissner's plexus present होता है हमारा submucosa में. ठीक है, Mantrik plexus कहाँ present होता है, between the muscle layer. Outer longitudinal muscle, inner circular muscle, दो muscle layer होती है उसके बीच में present होता है Mantrik plexus. And this Mantrik plexus is responsible for the motility of GI. ठीक है, Meissner's plexus is present in submucosa and it is responsible for GI secretion. ठीक है, clear है everybody, याद रहेगा Meissner plexus, Mantrik plexus. This is the diagram. दो मसल लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है Mantrik plexus, सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है Meissner's plexus.
ठीक है, याद रहेगा। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ मैमेलियन स्मॉल इंटेस्टाइन वॉज माउंटेड ओवर डेल्स टिश्यू बाद एंड मूवमेंट वॉज रिकॉर्डेड, ठीक है, दिस इज द मूवमेंट। अ सब्सटेंस वॉज एडेड टू एट पॉइंट एक्स, एट पॉइंट एक्स सब्सटेंस वॉज एडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स, एसिटाइल कोलिन, एड्रेनालिन, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन। वेरी गुड एवरीवन, यहां पे क्या देख रहे हैं, मोटिलिटी इज डिक्रीज्ड, ठीक है, मोटिलिटी डिक्रीज हो रहा है एंड वी ऑल नो हमारा जब भी पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है जीआई मोटिलिटी इंक्रीजेस। सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है उस केस में जीआई मोटिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, सो आंसर इज एड्रेनालिन, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, दीज ऑल्सो इंक्रीजेस द जीआई मोटिलिटी, सो आंसर इज ओनली एंड ओनली बी। क्लियर एवरीबडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम थिंग इज रिटन आउट हियर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जीआई पे क्या रोल है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी डिक्रीज करता है, टोन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर करता है, ठीक है, पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, जी आई टोन को इंक्रीज करता है एंड इट कॉजेस रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, ठीक है, याद रहेगा, समरी है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हॉर्मोन दैट इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज एंड स्लीप, ठीक है, दिस इज द हॉर्मोनल लेवल दैट इज इंक्रीज ड्यूरिंग द स्ट्रेनस एक्सरसाइज एंड स्लीप। चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी गुड एवरीवन, ग्रोथ हॉर्मोन इंक्रीजेस ड्यूरिंग ऑल स्ट्रेसफुल सिचुएशन टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, इट ऑल्सो इंक्रीजेस ड्यूरिंग नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, डीप स्लीप की अगर बात करें तो ये उस समय भी इंक्रीज होता है, सो आंसर इज ए ग्रोथ हॉर्मोन। वेरी गुड एवरीवन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम इज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, द हॉर्मोन मार्क्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मार्क्ड एरिया ए, ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन, एंड्रोजन, एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन। द फॉलोइंग डायग्राम इज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, द हॉर्मोन प्रोड्यूस बाय मार्क्ड एरिया ए इन द फॉलोइंग इमेज इज एल्डोस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, एपिनेफ्रीन, एंड्रोजन। एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन। This is zona fasciculata and it secrete the mineralocorticoid that is aldosterone. ठीक है, zona glomerulosa, zona fasciculata, zona reticularis. Reticularis से release होता है हमारा, क्या release होता है everybody? This is the medulla part. देखो क्या रिलीज होता है, हमारा जो जोना ग्लोमेरुलोसा है उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल रिलीज होता है, रेटिकुलरिस से एंड्रोजन रिलीज होता है, दैट इज डायहाइड्रोपियांड्रोस्टेरोन एंड एंड्रोस्टिनी डायोन्स, दीज ऑल आर रिलीज फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस। एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ये हमारा मेडुलरी पार्ट से रिलीज होता है,
ठीक है, जितने भी डोपामिन्स हैं दैट आर रिलीज फ्रॉम द मेड्यूलरी पार्ट नॉट कॉर्टिकल पार्ट. क्लियर है? ग्लोमेरुलोसा रिलीजेस द एल्डोस्टेरोन, फेसिकुलेटर रिलीजेस द कॉर्टिसोल, रेटिकुलरिस रिलीजेस द एंड्रोजन. चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मार्क एरिया इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ द मसल दिस एरिया. यहाँ पे कौन सा कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकता है? अल्फा एक्टिनिन, नेब्यूलिन, टाइटिन, ट्रोपोमोजिलिन. Everybody answer this question. Very good. अल्फा एक्टिनिन ये क्या करता है, हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है उसको जेड लाइन से बाइंड करता है. सो दिस इज द जेड लाइन, तो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है अल्फा एक्टिनिन. वेरी गुड. चल दिस इज द डायग्राम, बिल्कुल ध्यान से देखना. दिस इज द टाइटिन, ठीक है, एंड दिस इज आवर एक्टिन फिलामेंट, दिस इज आवर मायोसिन फिलामेंट. ठीक है, दिस इज द जेड लाइन. This actin filament is binded to the Z line with the help of alpha actinin. ठीक है? This is the titin, which is a Z line, Z like spring like material that is connecting Z line to M line. ठीक है? Clear है everybody? M line पे कुछ protein present होता है, that is myosin, M protein, opsonin. These all are important protein beside actin myosin. ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टिटनाइजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द बिलो डेमोन्स्ट्रेटेड गैस्ट्रोसिनामिक मसल ऑफ द फ्रॉग. ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट टिटनाइजिंग फ्रिक्वेंसी. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. Everybody answer this question. Tetanizing frequency कैसे calculate करते हैं? Tetanizing frequency is equals to 1 upon contraction period. ठीक है, given diagram क्या है? Single twitch का है. This is the contraction phase. This is the relaxation phase. ठीक है, contraction phase में this is the 10 mm, this is 20 mm, this is 30 mm. यानी जो ड्यूरेशन होगा वो 30 mm के रिस्पॉन्डिंग होगा. स्पीड कितनी है? 1000 mm पर सेकेंड. ठीक है, 1000 mm टेक 1 सेकेंड. सो 30 mm विल टेक हाउ मच टाइम? ठीक है, 1/1000 × 30, इतना सेकेंड हो गया. तो टिटनाइजिंग फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा? 1/कॉन्ट्रैक्शन पीरियड. कॉन्ट्रैक्शन पीरियड इज 30/1000. ठीक है, दिस विल बिकम 1000/30. तो आंसर आ जाएगा हमारा अराउंड 33 hertz. सो आंसर इज डी. क्लियर हुआ एवरीबडी? इज दिस क्लियर? टिटनाइजिंग फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना है. टिटनाइजिंग फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/कॉन्ट्रैक्शन पीरियड. सिंगल टूच दिया हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन पीरियड and this is the relaxation period. ठीक है, contraction period में 30 mm distance travel हो रही है, तो इससे calculate कर लेंगे time हम contraction period का, इसको put कर देंगे data में, question में, answer आ जाएगा. Clear हुआ everybody? Is this clear?
जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, इज दिस क्लियर? चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोटीन दैट एंकर बोथ एक्टिन एंड टाइटिन एट द जेड लाइन इज मायोमिसिन, नेब्यूलिन, अल्फा एक्टिनिन, मायोसिन. ठीक है, दिस इज प्रोटीन. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन, आई गेस क्लियर होगा. अभी जस्ट डिस्कस किया था मैंने, एक्टिन को जेड लाइन से बाइंड करता है अल्फा एक्टिनिन. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस लेंथ टेंशन रिलेशनशिप कर्व ऑफ अ स्केलेटल मसल मैक्सिमम टेंशन जनरेटेड बाय द मसल इज बिटवीन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी. ठीक है, वी हैव टू टेल at what point the maximum tension is generated by the muscle. A, B, point AB, point BC, point CD, point AD. Chalo, everybody answer this question. ये तो ग्राफ में ही दिख रहा है कि टेंशन सबसे ज़्यादा पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पे जनरेट होता है. क्यों जनरेट होता है, जहाँ पे टेंशन कहाँ मैक्सिमम होता है? टेंशन इज मैक्सिमम इन द मसल व्हेन देयर इज ऑप्टिमल ओवरलैप ऑफ एक्टिन मायोसिन फिलामेंट. उस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा मसल में. ठीक है, तो उस कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट बी आता है एंड पॉइंट सी आता है, वहाँ पे टेंशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरलैप होता है दैट इज़ ऑप्टिमल. ठीक है, इस समय जो सार्कोमेयर का लेंथ होता है दैट इज़ 1.65 माइक्रोमीटर. ठीक है, पॉइंट ए पे जो हमारा जो ओवर सार्कोमेयर की लेंथ होती है दैट इज़ 2 माइक्रोमीटर. ठीक है, चलो दिस इज द समरी. मैक्सिमम टेंशन के लिए एक्टिन मायोसिन ओवरलैप हमारा ऑप्टिमल होना चाहिए. ठीक है, एट दिस पॉइंट क्या होता है, सार्कोमेयर का लेंथ शॉर्ट होता है बट देयर इज नो रूम टू स्लाइड, इसलिए यहाँ पे टेंशन जो डेवलप होता है दैट इज लेस. यहाँ पे जो बी एंड सी पॉइंट है यहाँ पे ऑप्टिमल एक्टिन मायोसिन ओवरलैप होता है एंड देयर इज प्लेंटी रूम टू स्लाइड, दैट्स वाई द टेंशन इज हाइएस्ट. ठीक है, डी पॉइंट पे क्या होता है, सार्कोमेयर की लेंथ इंक्रीज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, दैट्स वाई एक्टिन मायोसिन ओवरलैप भी नहीं होता, दैट्स वाई द टेंशन डेवलप्ड इज लेस आउट दिस पॉइंट डी पॉइंट. क्लियर हुआ एवरीबडी, इज दिस क्लियर? यहाँ पे जो सार्कोमेयर की लेंथ होती है दैट इज 1.65 माइक्रोमीटर, यहाँ पे जो लेंथ होती है दैट इज 2 माइक्रोमीटर. ठीक है, क्लियर हो एवरीबडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ह्यूमन स्केलेटल मसल, द पोर्शन ई इंडिकेटेड, दिस इज द पोर्शन ई, व्हाट डज इट इंडिकेट? ठीक है, आई बैंड, ए बैंड, एच बैंड, एम बैंड. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. The portion E indicate very good everyone, it indicate I band.
बेसिकली तीन बैंड होता है, ए बैंड, एच बैंड, आई बैंड. देर इज नो एम बैंड, देर इज एम लाइन. ठीक है, डायग्राम देखो क्लियर हो जाएगा सारे बैंड्स. दिस इज द ए बैंड जो मायोसिन का पार्ट है. ठीक है, दिस इज द एच बैंड जहां पे मायोसिन इज नॉट ओवरलैप बाय एक्टिन. ठीक है, एंड दिस एक्टिन बैंड इज आई बैंड. ठीक है, मायोसिन बैंड इज ए बैंड, एक्टिन बैंड इज आई बैंड, एंड दिस नॉन ओवरलैपिंग पार्ट ऑफ मायोसिन इज एच बैंड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन लेंथ टेंशन रिलेशनशिप ऑफ अ स्केलेटल मसल द लेंथ एट विच एक्टिव टेंशन इज मैक्सिमम. ठीक है, ए एफ डी ई, डी ई एफ एंड दिस इज पॉइंट ए. ठीक है, किस पॉइंट पे एक्टिव टेंशन इज मैक्सिमम. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. In length tensile muscle relationship of skeletal muscle, active tension is maximum at which point? No, on x-axis, at which length the active tension is maximum? A, D, E, F, which point? देखो ये जो length tension relationship of skeletal muscle दिया है, इसमें ये जो graph है that is of active tension, ठीक है, and this is of passive tension. And active tension कहाँ पे maximum है? Somewhat here, corresponding to E, so answer is D. Passive tension कहाँ पे maximum है? पैसिव टेंशन मैक्सिमम है एफ पॉइंट पे. ठीक है, क्या होता है एक्टिव टेंशन, क्या होता है पैसिव टेंशन? एक्टिव टेंशन इज ड्यू टू एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन. ठीक है, जिसका कर्व ये एक्टिव का. पैसिव टेंशन इज ड्यू टू द इलास्टिक प्रोटीन व्हेन इट इज स्ट्रेच दैट रिजल्ट इन टू पैसिव टेंशन. दिस इज द पैसिव टेंशन. ठीक है, इन दोनों को समराइज करते हैं, दैट इज टोटल टेंशन. ठीक है, ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है दैट इज ऑफ टोटल टेंशन. ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ एवरीबडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ डायग्राम डिपिक्टिंग force velocity relationship of a skeletal muscle, the difference between the three curve is mainly due to. ठीक है, force velocity relationship दिया हुआ है. This is the velocity axis. ठीक है, and the difference in between these three curve is mainly due to frequency of muscle contraction, muscle mass, hypertrophy, myosin ATPase activity. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. देखो जितना ज्यादा हमारा एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन होगा, उतनी फोर्सफुली हमारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी. एंड मायोसिन एक्टिन मायोसिन कॉन्ट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब मायोसिन हेड पे एटीपीएज एक्टिविटी इज मैक्सिमम. सो आंसर इज डी. जितना ज्यादा एटीपीएज होगा उतना ज्यादा एक्टिन मायोसिन इंटरैक्शन होगा, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी? कपलिंग होगी. ठीक है, उतनी ज्यादा जल्दी हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेलोसिटी विल इंक्रीज. सो आंसर इज डी.
क्लियर एवरीबडी? चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आयन बेस्ड ऑन द कंडक्शन ग्राफ ऑफ अ न्यूरॉन बिलो, दिस इज पॉइंट ए. ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द आयन. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. देखो डीपोलराइजेशन, दिस इज डीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स एंड दिस इज रीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स. सो आंसर इज ए, सोडियम एंड पोटेशियम. क्लियर हुआ एवरीबडी? चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस डायग्राम डिपिक्टिंग नर्व एक्शन पोटेंशियल, द पॉइंट एट विच पोटेशियम आयन परमेबिलिटी इज हाइएस्ट. ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, डी पॉइंट, एफ पॉइंट. ठीक है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट जहां पे पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी इज हाईएस्ट. चलो एवरीबडी आंसर दिस क्वेश्चन. Everybody answer this question. पोटेशियम की परमेबिलिटी कहाँ होती है? डीपोलराइजेशन में पोटेशियम की परमेबिलिटी होती है. एंड दिस डीपोलराइजेशन में जब हाइपर पोलराइजेशन होता है, दिस इज एफ पॉइंट इज हाइपर पोलराइजेशन फेज. एंड दिस हाइपर पोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटेशियम इनफ्लक्स कंटिन्यूड. क्यों इफ्लक्स कंटिन्यूड होता है? क्योंकि यहाँ पे भी परमेबिलिटी पोटेशियम आयन की इंक्रीज हो जाती है. सो आंसर इज डी. क्लियर एवरीबडी? आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन. या आज के सेशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो होप यू ऑल लाइक द सेशन. इफ यू लाइक द सेशन डू लाइक एंड शेयर, दिस इज इंपॉर्टेंट. जितना ज्यादा शेयर करोगे क्लास उतनी ज्यादा इंटरैक्टिव होगी. ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दैट इज लेट्स क्रैक नीट पीजी. बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको यूट्यूब के थ्रू भी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं क्लास. ठीक है, और फॉलो कर लीजिए माई पेजेस अनअकैडमी फिजियोलॉजी या नीट फिजियोलॉजी, सर्च कर लीजिएगा. ठीक है, मोस्ट वेलकम डॉक्टर गुड वाइब्स, मोस्ट वेलकम डॉक्टर साइमा. क्वेश्चन ऐसे ही कभी कभी टफ भी होंगे, कभी कभी इजी भी होंगे. ठीक है, मोस्ट वेलकम डॉक्टर सुष्मिता. या श्योर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे. ऑलमोस्ट सारे सेशन में जब हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करते हैं. रेगुलर फॉलो कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होता है. ठीक है, दोज हु आर विलिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन डू यूज़ माई रेफरल कोड डॉक्टर निधि सो दैट यू कैन अवेल द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट इन योर सब्सक्रिप्शन. चलो, यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम विद गुड रैंक. करना क्या है? रेगुलर मेहनत करनी है, देर इज़ नो शॉर्टकट. जितना ज़्यादा आप MCQ करोगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी टू क्रैक द एग्जाम विद गुड रैंक इंक्रीज. सो डू मोर एंड मोर MCQ एवरीबडी, यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम विद गुड रैंक. थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग. लास्टली अगेन रिपीटिंग, दिस रेफरल कोड इज़ वैलिड फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन. सो यू कैन रेफर एनी बडी जो कि सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, एंड डू refer my referral code that is Dr. Nidhi so that they also get instant 10% discount in their subscription. ठीक है, चलो that's all for today. Thank you so much for joining. See you all next day.